खबर मिली है निकोला। किन से? काई से। अब काई क्या करने की कोशिश कर रहे हैं फलातियोस? वो सरदार मुंतखब करने वाले हैं। सच कह रहे हो तुम? और उस्मान मौजूद नहीं वहां। हाँ, यह तो हमारी खुशनसीबी है। अगर उस्मान के बगैर सरदार मुंतखब किया गया तो क्या होगा फलातियोस? उस्मान और उसके सिपाही नया सरदार कबूल नहीं करेंगे निकोला। बिल्कुल, गेहा तो उस्मान को मार देगा, काई सरदारी के लिए लड़ेंगे आपस में, और हम अपनी खोई हुई सरजमीनें वापस ले लेंगे फलातियोस। क्या तुम वाकई एक बहादुर आदमी हो फलातियोस? तुम्हें क्या लगता है निकोला? तुम वो वाहिद आदमी हो फलातियोस जो काई कबीले अकेले ही जा सकता है। अपनी जान मुश्किल में डालने के अलावा क्या मेरा कोई और फरीजा होगा? जरूर होगा, जरूर होगा। तुम काई कबीले जाकर दुंदार और साउची को यह बताओगे कि हमने उनके खिलाफ बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया है, और फिर यकीनन वो मुझे मार डालेंगे, है ना? फलातियोस, तुम तो मरना ही चाहते थे ना? तुम जानते हो कि मैं वहां जाऊंगा निकोला। मेरे लिए यह जानना काफी है कि यह रोम के लिए है। हाथों की तरफ से काइयों के लिए, और यह मकतूब रोम की भलाई के लिए है फलातियोस। क्या है यह निकोला? जान जाओगे। मैंने कभी तुमसे कुछ छुपाया है क्या? खुद बताऊंगा तुम्हें। और हां, कम से कम काई कबीले जाने से पहले ये पुराने कपड़े उतार देना, और वहां एक रोमन सिपाही की तरह जाओ। देखते हैं तारगून ने क्या किया अब तक। तारगून, हाँ।